आज हम लेसन 5 पढ़ेंगे इंग्लिश का, इसका नाम है घोस्ट एंड अ फैमिली। देखिए ये घोस्ट मतलब होता है भूत, ठीक है। तो ये लेसन आपको एक रिटायर्ड सोल्जर के बारे में दिया गया है, सैनिक के बारे में दिया गया है, उसकी फैमिली और एक घोस्ट के बारे में है। ओके, तो इस लेसन में हम देखिए रीड करेंगे। एक जो सोल्जर था, सैनिक था, रिटायर्ड सोल्जर था, वो एक छोटे से टाउन में सेटल होना चाहता था, मतलब अपना घर लेना चाहता था और वहीं पे बसना चाहता था। तो वहां पे सिर्फ एक ही हाउस था उसी उस सिटी में, उस टाउन में एक ही हाउस था जो बिक रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बारे में ये मान्यता थी कि उसके बेसमेंट में भूत रहता है, ठीक है, और वो उसे बहुत पसंद है लोगों को डराना, ठीक है। तो वो जब कोई हाउस नहीं मिला तो वहां पर लोग देखिए ये सुन के लोग इच्छा नहीं करते थे कि कोई भी उस घर को खरीदे, लेकिन जो सोल्जर था उसने उस घर को खरीद लिया और बहुत कम दामों में उस घर को खरीद लिया और वहां पर उनकी फैमिली रहने लगी। उनकी फैमिली में कितने लोग थे, चार मेंबर्स थे, उनकी वाइफ थी, उनका एक बेटा था, बेटी थी और वो खुद थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, देखिए घोस्ट को बेचैनी होने लगी बेसमेंट में, तो वो बाहर आया। तो उसकी आदत थी कि वो बाहर आके बच्चों को डराता था और जो अकेली लेडीज रहती थी उनको डराता था आके। तो जो पीपल थे, लोग जो थे, उन्होंने ऐसा कहा था टाउन के लोग, ठीक है, उन्होंने ऐसा उस फैमिली को बताया था। फिर देखिए रात में दोपहर के समय क्या हुआ, सोल्जर जो था वो बाहर, सैनिक जो था वो बाहर फेंसिंग लगा रहा था अपने घर के, और घोस्ट उसके सामने आया बेसमेंट से निकल के, और जैसे ही वो उसके सामने आया तो वो अजीब अजीब तरीके के फेस बना लिया, ठीक है। जैसे ही वो आया उसने बोला उससे कि ओ फुलिश मैन, मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुमने ये घर एक बार में नहीं छोड़ा तो। और वो हंसने लगा ही हाँ। तो सोल्जर बोलने लगा कि सोल्जर देखिए सोल्जर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मतलब अपने फेस पर ना वो डरा ना उसने कुछ बोला, बस वो अपना काम करता रहा और वो बोलने लगा। उसने सिर्फ उससे ये कहा कि ज्यादा तुम ज्यादा आगे मत आओ, ज्यादा सामने मत आओ, मुझे मेरा काम करने दो और मुझे मेरे काम में दिक्कत पैदा मत करो, मुझे मेरा काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। तो घोस्ट बोलने लगा देखो मेरे इतने शार्प इतने नुकीले दांतों को देखो जरा। घोस्ट ने अपना माउथ ओपन किया और जो सोल्जर था उसने अपना फेस स्ट्राइक कर लिया उसको देख के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, घोस्ट को ये लगने लगा कि ये इसको डराना इतना आसान नहीं है, तो उसने सोचा कि इसकी वाइफ को डराया जाए। तो वो गया किचन में उसकी वाइफ को डराने के लिए। तो उसकी वाइफ क्या कर रही थी कि वो सब्जी काट रही थी, मतलब मिर्ची काट रही थी सब्जी में। तो उसने उससे बोला कि ओ फुलिश वुमेन, अगर तुम ये घर छोड़ के नहीं गई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो और फिर हंसने लगा। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे मेरा काम करने दो, तुम यहाँ से जाओ, अभी मेरा काम करने का समय है, ये खेलने का समय नहीं है। लेकिन घोस्ट ने क्या किया कि वो वहीं रुका रहा। तो सोल्जर की वाइफ ने एक पिंच, मतलब एक चुटकी भर मिर्ची ली और उसके आंख में डाल दी। जैसे उसके आंख में डाली तो घोस्ट को मिर्ची लगी, और वो पूरे कमरे में उछलने लगा, पूरे किचन में उछलने लगा। फिर घोस्ट ने डिसाइड किया कि इसको भी डराना इतना आसान नहीं है, तो वो उसके लड़के के पास गया और उसको डराने लगा। तो वो क्या कर रहा था उसका लड़का, कि वो प्लांट्स को वाटरिंग, मतलब पेड़ों को पानी दे रहा था। तो वो आया उसके सामने और अजीब अजीब तरह के फेसेस बनाने लगा और चिल्लाने लगा। उससे उसने कहा कि मैं तुम्हारे ये सारे मैं तुम्हें निगल जाऊंगा और ये सारे पेड़ पौधे मिटा दूंगा अगर तुमने ये घर को नहीं छोड़ा। और हंसने लगा। तो बॉय ने चिल्ला के कहा, जो लड़का था उसने चिल्ला के कहा, तुम यहाँ से दूर रहो, जब मुझे खतरा रहता है तब मैं और ज्यादा बेकार हो जाता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और उसने फिर से घोस्ट ने उसके ऊपर चिल्लाया। तो उसने बॉय ने क्या किया कि उसकी नाक में जो प्लांट था वो उसकी नाक में उसने डाल दिया। तो वो उस छींकने लगा और छींकने लगा तो वो इधर उधर घूमने लगा, और जैसे ही घूमने लगा दौड़ के वो चिल्ला के वहां चला गया बेसमेंट में, और उसको कफ एंड कोल्ड हो गया, मतलब सर्दी हो गई। फिर जो बॉय था वो बहुत ज्यादा नॉटी था, उसने सोचा ऐसा घोस्ट ने। फिर वो गर्ल की सोचने लगा, लड़की की सोचने लगा,
कि वो लड़की के पास जाएगा और उसको लास्ट में डराएगा। वो लड़की के पास गया और वो ड्राइंग बना रही थी, वो ड्राइंग बनाने में बिजी थी और जो घोस्ट था वो अचानक से उसके सामने आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा अगर तुम लोगों ने एक बार में ये घर नहीं छोड़ा, ठीक है। और तो गर्ल, लड़की जो थी उसने उसकी तरफ देखा और कहने लगी गुस्से में कि तुमने मेरी पिक्चर स्पॉइल कर दी, मतलब तुमने मेरी पिक्चर जो मैं बना रही थी उसको खराब कर दी है। और उसने जो पेंसिल थी वो जिससे पिक्चर बना रही थी उसको उसकी आंख में डाल दिया, उसको उसकी आंख में मार दिया और जो घोस्ट था वो बहुत तेज से रोने लगा और जैसे ही, और जो घोस्ट था वो डर के वहां से चला गया, लेकिन वो दौड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसको पेन हो रहा था। और वो फैमिली के द्वारा पकड़ा गया और फैमिली ने पाया कि वहां पर कोई भी घोस्ट नहीं, कोई भी भूत नहीं है। वो एक लालची आदमी था, साइड वाला पड़ोसी था जिसको वो प्लॉट चाहिए था, जिसको वो घर चाहिए था और वो प्रॉपर्टी जो हड़पना चाहता था, इसलिए वो किसी को वहां पर रुकने नहीं देता था, डरा देता था, लेकिन उस फैमिली ने उसको पकड़ लिया। ओके, अब आप ये लेसन रीड करेंगे और रीड करने के बाद आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसको पूछ लेंगे। ओके।